दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है तो दोस्तों वैसे स्टार्टिंग हस्बैंड जी ने कर ली थी वीडियो की लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था पीछे से उनको पता नहीं था कि म्यूज़िक बज रहा है तो अभी मैं कर रही हूँ वीडियो की शुरुआत और ये जो वीडियो है ये शादी की है और शादी में जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे गाने बजते रहते हैं वहाँ पे तो वीडियो बनाने का कोई मौका नहीं मिलता है सिर्फ वीडियो बनाते रहो बोलने के लिए तो फिर पीछे से गाने बजते तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है तो इसलिए इसमें सारे जगह मैंने अपनी आवाज़ दे रखी है वीडियो में और ये शादी जो थी वो हमारे गांव में थी रतनपुर में वो भी हमारे रिश्ते रिश्तेदार लगते हैं तो वहाँ पे गए थे मेरे पति देव और मैं गए हुए थे शादी में तो शादी आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे पतिदेव जी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पीछे से गाने बज रहे हैं तो बाद में मैंने जब एडिटिंग कर रही थी उस टाइम पे पता चला कि पीछे से गाने बज रहे हैं तो थोड़ा सा भी गाने की आवाज़ होगी तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम लड़के वालों की तरफ से इन्वाइटेड हैं तो आजकल तो शादियों में लड़के लड़की की फ़ोटो लगाए जाते हैं गेट मेन गेट के पास में तो हम लड़के वालों की तरफ से इन्वाइटेड हैं तो काफ़ी सुंदर जोड़ी है इन दोनों की तो आपको अंदर लेके चलते हैं कि अंदर हमें कौन कौन से मिलते हैं हमारे जानने वाले वैसे तो ज़्यादातर जानने वाले ही हैं और अभी हम एंटर कर चुके हैं अंदर यहाँ पे न्यूता लिखाते हैं तो हम भी पहले यहाँ पे न्योता लिखाएंगे उसके बाद अंदर जाएंगे तो जैसे कि हम अंदर गए थोड़ी देर के बाद तो वहाँ पर मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई है और ये फ्रेंड एक ही बार वीडियो में आई हुई है जब हम डियर पार्क गए थे पूरे स्कूल की फ्रेंड्स तो वो वाली फ्रेंड है और ये मुझे यहाँ शादी में मिल गई इनके भी रिश्तेदार लगते हैं वो और वैसे हम दोनों एक ही जगह रहते मेरे ससुराल के वहीं इसका घर है इन्होंने बना रखा है और स्कूल में हमारे चाचा चाची लगते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद इनसे मिलना हो रहा तो काफ़ी बातें हुई इनसे और ये लगभग काफ़ी सालों के बाद इनसे मिले हैं तो ये अपने ही बातें कर रहे थे वहाँ पे और उनकी वाइफ भी वहीं पे बैठी हुई है और मैं इधर अपनी फ्रेंड के साथ ही बातें कर रही थी तो बहुत ही मज़ा आया तो काफ़ी सारे मिल रहे थे उस दिन वहाँ पे इसको मिलो उसको मिलो पूरी शादी में पूरे जानने वाले थे उस दिन मिल मिल के थक गए देखो और हंस हंस के मुंह में दर्द हो गया तो यहाँ पे ये मिलाना चाह रहे हैं कि ये भी हमारे गांव के ही हैं और हमारे पड़ोसी हैं तो इनका नाम विक्रम जी हैं और ये कह रहे हैं कि ये विक्रम जी भाई जी हैं और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग में और उनसे बातें कर रहे हैं और यहाँ पे हमें मिल गई है दीदी जी दीदी जी और दीदी लेके घूम रहे, है ले रहे, है। रहे हैं रहे तो सब सब ये दीदी लेके घूम रही है लड्डू गोपाल और ये ये देखिए ये सबसे बड़े मेहमान है बहुत बहुत अच्छा लगा और ये दीदी ने दीदी की बेटी हाँ ये इनकी नानी जी हो गई नानी जी हो गई और उमा ने उमा ने रखा उमा अभी उमा पहुंचता अच्छा तो ये जहाँ भी जाती है वहाँ साथ में लेके जाती, जाती है लड्डू गोपाल जी को हाँ बच्चों की, तो की तरह रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे देखिए सब हमारे गांव के कोई कोई चाची कोई भाभी कोई <laughs> कोई चाची तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद हुआ था तो फिर उसके बाद म्यूजिक शुरू हो गया था और यहाँ पे फिर मुझे अपनी वॉइस देनी पड़ी और ये भी हमारे ही बगल के गांव के और हमारे रिश्तेदार भी हैं ये भी बुटोला हैं तो इनसे भी बात हो रही थी जहाँ पे हमने नई प्रॉपर्टी ली तो इन्हीं से लिए थे हमने वो प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका भी प्रॉपर्टी डीलिंग का तो दोस्तों ये हमारे रिश्ते में मामी जी लगती है हमारी जो चाची सास है उनकी भाई की वाइफ हैं और बगल में उनकी ननद बैठी है तो इनसे भी हमारी मुलाकात हो गई है वैसे तो स्पेशली मुलाकात नहीं होती तो ऐसे ही शादी में मिल जाते हैं या किसी फंक्शन में भी हो तो वहाँ पे मिल जाते हैं वैसे हम ज़्यादातर तो जाते नहीं हैं शादी वादी में जो हमें बुलाते हैं तो वहीं जाते हम लोग और ये मामीज़ भी पहले भी मेरी वीडियो में आ चुकी हैं और काफ़ी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये मेरी फ्रेंड है जो ग्रीन साड़ी वाली है उसकी फ्रेंड्स हैं और उनके पड़ोसी भी हैं तो उन उसने बोला थोड़ा इनकी वीडियो भी ले लो तो मैं उनकी वीडियो ले रही है और ये लोग भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे और मेरी फ्रेंड तो वैसे भी सबसे मिलजुल रही है यार पूरे मिल रहे हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे हम तीनों देवरानी जेठानी हैं और ये सबसे छोटी वाली जो बीच में छोटी लग रही है वो मेरी बात वाली है और ये लंबी है ये सबसे छोटी है तो यहाँ पे आज हम तीनों देवरानी जेठानी को फ़न कर रहे हैं और ये गाना बज रहा है तो पूरी वॉइस मुझे देनी पड़ रही है और ये बच्चे हैं और देवर लोग अभी खाना खा रहे हैं और यहाँ पे बच्चे वैसे डांस कर रहे हैं पीछे से म्यूज़िक बज रहा है और उधर से छोटी देवरानी की बेटी है और इधर बीच वाली देवरानी की बेटी है ये छोटी वाली बीच वाली देवरानी की बेटी है और दोनों अभी छोटे हैं तो दोनों काफ़ी फ़न कर रहे हैं और बड़ी वाली जो बेटी है देवरानी की छोटी वाली की वो हमारे साथ है वो थोड़ा बड़ी होगी तो अब वो इतना नटखट नहीं है ये दोनों काफ़ी नटखट है जैसे ही गाना बजता वैसे ये डांस करने लग जाते हैं और दोनों देवर तो अभी है नहीं वीडियो में नहीं आ रहे हैं तो बस यही है आज का और हम लोग खाना खा चुके हैं छोटी वाली देवरानी मीठा खा रही है थोड़ा

और ये हमारे पतिदेव जी के क्लासमेट और फ्रेंड हैं और ये उन्हीं के गांव के हैं हमारे गांव के और उनकी वाइफ हैं जिनके साथ मैं बातें कर रही हूँ और काफ़ी समय के बाद मिले ये दोनों ही की क्लास में पढ़ते थे और इन्हीं की बहन की शादी है इनके चाचा ताओ की लड़कियों की और अब हम घर के लिए जा रहे हैं और ये मुझे बुला रहे हैं मैं पीछे अपने दोस्त लोगों से मिल आ रही थी कि मैं जा रही हूँ मेरी देवरानी लोग तो चले गए हैं पहले और हम अभी तो सीधा इधर ही आएंगे वसंत विहार में घर नहीं जाएंगे क्योंकि घर सब लोग चले गए और सो गए काफ़ी लेट हो चुका है ग्यारह बज चुके हैं और जा जाते हमें तो साढ़े ग्यारह पौने बारह बज जाएंगे तो अब हम निकल गए और वो हमें बाय बाय कर रहे हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय